नो डाउट कि क्रूज कंट्रोल आजकल एक बहुत फेमस फीचर है गाड़ियों में, स्टैंडर्ड फीचर के तौर पे आने लगा है अब गाड़ियों में, और इसे लाइक भी बहुत करते हैं, बहुत से लोग इसे लाइक करते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। बिना प्रैक्टिस किए आप इसको हाईवे पे अगर यूज़ करेंगे तो ऐसा ना हो कि आप कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में आए। इसको यूज़ करने का तरीका मैं बता देता हूँ। इसको यूज़ करने से पहले एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल एक ऐसा बटन है जिसके यूज़ करने से आप एक्सेलेरेटर पर पाँव रखने की आपको ज़रूरत नहीं रहती। अब अगर एक्सेलेरेटर पर पाँव नहीं रखेंगे तो आपका पाँव उस पोजीशन से हट जाएगा जिस पोजीशन पे आप उसे ब्रेक तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि आपका पाँव गाड़ी में इस जगह पे होता है राइट वाला, जिससे आप एक सिंगल मूवमेंट पे रिवॉल्व करके राइट साइड में आप एक्सेलेरेटर को यूज़ करते हैं और लेफ्ट साइड में ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर क्रूज़ कंट्रोल पे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपका पाँव उस पोजीशन पे रहेगा नहीं, आप कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे, और ऐसे में आपका रिस्पांस टाइम, जो सडन ब्रेक यूज़ करने का रिस्पांस टाइम है, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस इसकी करें और मिनिमम यूज़ रखें क्रूज़ कंट्रोल का। बड़ी सावधानी के साथ इसको यूज़ करें, क्योंकि सड़क से आपका ध्यान, अगर ट्रैफिक से आपका ध्यान हटता है कहीं ना कहीं क्रूज़ कंट्रोल की वजह से, तो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए क्रूज़ कंट्रोल को समझ लें कि क्रूज़ कंट्रोल को ज़रा कम, और लंबी ड्राइव पर अगर जा रहे हैं कहीं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है तब यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आप क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। 40 की स्पीड पर ही क्रूज़ कंट्रोल होगा। क्रूज़ कंट्रोल का मतलब है कि आप गाड़ी को बिना रेस दिए, बिना पाँव से एक्सीलेटर दबाए, आप गाड़ी को जिस स्पीड पर सेट कर देंगे उस बटन से, वो गाड़ी उसी स्पीड पर दौड़ती रहेगी। हालांकि आपके हाथों में क्रूज़ कंट्रोल के साथ साथ अप एंड डाउन स्पीड करने का भी ऑप्शन है, उसमें आप स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक बार सिंगल अगर टाइम ब्रेक यूज़ करते हैं तो वो सारे पिछले ऑप्शंस आपके वो वापस हो जाते हैं, और क्रूज़ कंट्रोल का जो सिस्टम है वो एक बार बंद हो जाता है, वापस मैनुअल पे आ जाता है। तो इसके लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्रूज़ कंट्रोल को। मैं बताता हूँ देखिए किस तरह से आप उसको यूज़ करते हैं और होता क्या है क्रूज़ कंट्रोल। देखिए ये यहाँ पर क्रूज़ का बटन मेरे पास है, और सामने इसको दबाने के बाद क्रूज़ की सामने लाइट हमारे पास सामने वो जल उठेगी। इसका मतलब है कि आपका क्रूज़ कंट्रोल शुरू हो गया है, और उसके बाद आप बिना एक्सेलेरेटर पर पाँव रखे उसको ड्राइव कर सकेंगे। अब 40 से अबव हमारी स्पीड है, और कहीं भी 40 से अबव हम क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर सकेंगे। इसके बाद यूज़ करने में क्या होगा कि हमें एक्सेलेरेटर पर पाँव नहीं रखना पड़ेगा अपना। ये देखिए अब 40 से अबव हमारी स्पीड है, और ये मैं क्रूज़ का कंट्रोल का ये बटन मेरे हाथ में है यहाँ पर, इसको मैं दबा देता हूँ तो वो लाइट सामने वो ग्लो हो रही है, देखिए वो लाइट जल पड़ी है। अब जिस स्पीड पे मैं चाहूँ लाइट वहाँ ऑन रहेगी। अब मैं गाड़ी को तेज करूँ या कम करूँ, 40 से अबव कहीं भी ले जाऊँ, जहाँ मैं सेट करना चाहता हूँ, जैसे 60 पर मैं सेट करना चाहता हूँ स्पीड, कि 60 पर मेरी गाड़ी दौड़ती रहे और मुझे पाँव का इस्तेमाल एक्सीलेटर पर ना करना पड़े, तो अब 60 के लगभग स्पीड है। अब मैं यहाँ से, ये मेरे पास क्रूज़ के साथ साथ नीचे सेट का बटन है, इस सेट के बटन को मैं दबाऊँगा और फिर पाँव बेशक हटा लेंगे एक्सीलेटर से। ये देखिए ये मैंने दबा दिया है, और सामने क्रूज़ कंट्रोल की सेकंड लाइट आ गई है, यानी एक्टिव हो गया है क्रूज़ कंट्रोल। और मैं अब देखिए यहाँ से पाँव अगर अपना हटा भी लेता हूँ, ये मैंने पाँव हटा लिया है, अब गाड़ी 60 से थोड़ा अबव की स्पीड पर मैंने इसे सेट किया हुआ है, और ये गाड़ी देखिए उसी स्पीड पर दौड़ती रहेगी। ये देखिए नीचे पाँव मेरा मैंने हटाया हुआ है एक्सीलेटर से, बिल्कुल दूर है, सामने एक्सीलेटर खाली है, और ये पाँव मैंने हटाया हुआ है, फिर भी गाड़ी
60 की स्पीड से अबाव सेट हो गई है और इसी स्पीड पर चलती रहेगी जब तक मैं ब्रेक यूज़ नहीं करूँगा। अगर मैं ब्रेक यूज़ कर लूँगा तो ये सारा प्रोसीजर अब तक का सेट हुआ ये कैंसिल हो जाएगा और फिर से मुझे एक्सेलेरेटर यूज़ करके ही रेस को बढ़ाना पड़ेगा। बाकी इस दौरान अगर पाँव से नहीं करना है तो ये प्लस और ये माइनस, अगर मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ प्लस प्लस करके तो सामने देखिए हल्का हल्का स्पीड ये देखिए 70 के पास आ गई है यहाँ से। प्लस माइनस करूँगा तो ये माइनस होके कम हो रही है, लेकिन अब मेरा पाँव जा चुका है दूर एक्सेलेरेटर से देखिए, और अब मुझे ये लग रहा है कि आगे ट्रैफिक भी है तो मुझे जल्दी से ढूंढ लेना चाहिए वो स्पॉट कि कहाँ पर एक्सेलेरेटर है और उसके साथ ही कहाँ पर ब्रेक्स है, वो मैंने ढूंढ लिया है। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा इसका। अब एक्सेलेरेटर से मैं प्लस करता हूँ तो प्लस हो जाती है, डिस्कार्ड नहीं होगा ये ऑर्डर पहले वाला, लेकिन अगर मैं ब्रेक यूज़ करता हूँ तो वो पहले वाला ऑर्डर डिस्कार्ड हो जाएगा। अभी तक मैंने ब्रेक यूज़ नहीं की है और सामने दोनों लाइट ग्रीन कलर की, नीचे ये देखिए ये ग्रीन कलर की दोनों लाइटें जल रही हैं, यानी आपका क्रूज़ कंट्रोल अभी सेट हुआ पड़ा है, गाड़ी अपने आप चल रही है। लेकिन मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि क्रूज़ कंट्रोल का मिनिमम यूज़ करिए, बहुत कम यूज़ करिए, और अपने पाँव को ऐसी पोजीशन पर रखिए जहां आप इजीली ब्रेक लगा सकें। So this is about cruise control. Have a safe journey. और cruise control का इस्तेमाल थोड़ा कम, बहुत अधिक ज़रूरत पड़ने पर ही cruise का इस्तेमाल करें। Thanks.